नाज़रीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलने के बाद भी इस टोले ने अपनी मुकर्रर मनसूबा बंदियों का बाप बंद नहीं किया बल्कि इसे मजीद तूल दिया है। लेकिन खान साहब अब तो वाकई जेल में रहकर खतरनाक हो गए और इनकी कामयाबियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें साइफर में गिरफ्तार करने वाले अब साइफर के बाद किसी और केस की तश्कील में झट गए, क्योंकि इनको एक ऐसा झटका लगा है जिससे अब साइफर प्लान भी जमीन बोस हो गया और खान साहब भी हारी बाजी जीत गए। आज की वीडियो भी इसी से मुतालिक है। इतलात आई है कि पीडीएम ने इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें डाली थी इसे अब ताकतवर हल्के हटा रहे हैं और साइफर केस को भी अब ऐसे खत्म किया जाने वाला है जैसे तोशा खाना को किया गया है। आज की इस वीडियो में हम जो सवाल शेयर करेंगे वो ये है कि तोशा खाना केस को इमरान खान के गले डालते डालते निगरान हुकूमत कैसे खुद इसी जाल में फंस गई। अटक जेल के बाहर किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? इमरान खान की बहनों और अहलिया बुशरा बीबी ने अटक जेल के बाहर पड़ाव क्यों डाल दिया? साइफर केस में इमरान खान किस बुनियाद पर सुरखरू हो गए? बड़ी खबरों ने मुल्की सियासत को मजीद पेचीदा बना दिया। नाजन, वो कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कप्तान के मुखालफी ने कप्तान को चित करने के लिए एडी चोटी का जो जोर लगाया था वो अब इनके किसी काम नहीं आ रहा। और अब तो ये खबरें भी हैं कि इस इत्तेहाद का वजूद खुद इसके अपने इत्तेहादियों को ही चुभने लगा है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल निगरान हुकूमत की नाकामी है। इतलात मौसूल हुई है कि इमरान खान को तोशाखाना केस में रिहाई के बाद साइफर केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसको अब अदलिया की जानब से उड़ा कर रख दिया गया। लेकिन यहाँ जो गौरतलब सवालात हैं वो ये हैं कि साइफर केस कैसे हुकूमत के लिए वबाले जान बन गया? अटक जेल के बाहर जश्न मनाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाएगा? क्या इमरान खान अब साइफर केस में भी पाबंद सलासल रहेंगे? सनसनी खेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि अटक जेल के बाहर बड़ा जश्न, कप्तान के बहनों और अहलिया का बड़ा खड़ाक, पुलिस वैन फिर से भर दी गई, खान के खिलाड़ियों का भी ऐलान जंग, साइफर केस भी नाकाम, तोशाखाना केस में खान साहब रिहाई पीडीएम को भी महंगी पड़ गई। तोशाखाना केस में खान साहब की रिहाई पीडीएम और शहबाज शरीफ को रास न आई, बड़े इंकशाफात सामने आ गए। शहबाज शरीफ और इत्यादि टोला निशाने इबरत बन गया। पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे, बड़ों ने बड़े फैसले कर लिए। नाज़रीन, इमरान खान पाकिस्तानी कौम के लिए किसी मसीहे से कम नहीं। मोरसी सियासत करने वालों का खान साहब ने हमेशा डटकर मुकाबला किया है। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में अब तक कौन सी बड़ी पेशरफ्त हुई है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि अटक जेल के इतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और पुलिस की भारी नफरी जेल के रास्तों पर पहुंचा दी गई है। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई का जश्न मनाने वाले आने वाले 9 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बुशरा बीबी और इमरान खान की 2 बहनों को मुलाकात की इजाजत दी गई। अटक डिस्ट्रिक्ट जेल के इतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई और जेल के रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। और इसराइल ने बताया कि जेल के रास्तों पर एंटी राइट्स किट्स से लेस फोर्स तैनात की गई है। चेयरमैन पीटी इमरान खान अटक जेल में ही कैद है और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इनकी सजा मुअत्तल करते हुए इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। फैसला सुनते ही पीटीए के चंद कारकुनान इमरान खान रिहाई का जश्न मनाने के लिए अटक जेल के पास पहुंच गए। कारकुन मिठाई और हार भी लेकर आए, तहम पुलिस ने 9 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जनाब साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और इमरान खान की 2 बहनें चेयरमैन पीटीए से मुलाकात के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल अटक पहुंची तो इन्हें पुलिस ने नाके पर रोका, तहम बाद में जेल के अंदर जाने की इजाजत मिल गई। इसके बाद दीगर अफराद को जेल नाके पर रोक लिया गया और बुशरा बीबी ने चेयरमैन पीटीए से 1-to-1 मुलाकात की, जबकि चेयरमैन पीटीए की 2 बहनें भी मुलाकात के बाद बुशरा बीबी के हमरा जेल से रवाना हो गए। उधर साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का इमरान खान के तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली पर बयान आया। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाईकोर्ट तक पहुँच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि अदलिया से वाज पैगाम मिल जाए तो मातहत अदलिया ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। इन्होंने कहा कि निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबले कबूल नहीं। खाना काबे के अक्स वाली घड़ी बेच खाने के वाले के सामने कानून बेबस है। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 9 मई हो, जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब मुआफ, चोर और रियासी दहशतगर्दी की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा।
लेकिन पीडीएम जो खुद को मुल्क का कुल मुख्तार समझे बैठी है, इस इत्याद ने ऐसी चोट खाई है जो ना इनसे बर्दाश्त की जा रही है और ना ही बताई जा रही है। जबकि दूसरी जनम सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब और साबिक वज़ीर दाखला राणा सनावला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर तनकीद का, इन्होंने कहा कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जज तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल की तो राणा सनावला ने फिर साबिक वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। साबिक वज़ीर दाखला ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई तलाशी से बहुत भागे हैं लेकिन इनकी चोरियां रोज़े रोशन की तरह आया है। उधर इमरान खान के साइफर केस में गिरफ्तारी डालने और जुडिशियल रिमांड पर होने से मुतालिक फारूक हबीब ने रद्दमल दिया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि ये है मनसूबा बंदी। 15 अगस्त से इमरान खान की गिरफ्तारी साइफर केस में डालकर जुडिशियल रिमांड पर रखा गया। इन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि केसेस की टाइमिंग चेक करें। इमरान खान की 29 अगस्त को तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई और इसके साथ ही साइफर केस से मुतालिक छुपाया गया जुडिशियल रिमांड का ऑर्डर भी सामने आ गया। फारूक हबीब का कहना था कि जुडिशियल रिमांड के हुक्म से इमरान खान के वकला को आगाह किया गया और ना ही मीडिया को शेयर किया गया। लगता है कि पिछली तारीख डालकर हुक्म जारी करवाया दिया गया। सारा निजाम इंसाफ तो जकड़ा हुआ है। खबर यह भी है कि तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन और किक बैक्स का मामला। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 सितंबर तक तौसीह करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि 9 मई हो, जुडिशियल कम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब मुआफ, चोर और रियासी दहशतगर्दी की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। लेकिन पीडीएम जो खुद को मुल्क का कुल मुख्तार समझे बैठी है, इस इत्याद ने ऐसी चोट खाई है जो ना इनसे बर्दाश्त की जा रही है और ना ही बताई जा रही है। जबकि दूसरी जनम सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब और साबिक वज़ीर दाखला राणा सनावला चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर तनकीद का, इन्होंने कहा कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जज तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा मुअत्तल की तो राणा सनावला ने फिर साबिक वज़ीर आज़म को आड़े हाथों ले लिया। साबिक वज़ीर दाखला ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई तलाशी से बहुत भागे हैं लेकिन इनकी चोरियां रोज़े रोशन की तरह आया है। उधर इमरान खान के साइफर केस में गिरफ्तारी डालने और जुडिशियल रिमांड पर होने से मुतालिक फारूक हबीब ने रद्दमल दिया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि ये है मनसूबा बंदी। 15 अगस्त से इमरान खान की गिरफ्तारी साइफर केस में डालकर जुडिशियल रिमांड पर रखा गया। इन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि केसेस की टाइमिंग चेक करें। इमरान खान की 29 अगस्त को तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई और इसके साथ ही साइफर केस से मुतालिक छुपाया गया जुडिशियल रिमांड का ऑर्डर भी सामने आ गया। फारूक हबीब का कहना था कि जुडिशियल रिमांड के हुक्म से इमरान खान के वकला को आगाह किया गया और ना ही मीडिया को शेयर किया गया। लगता है कि पिछली तारीख डालकर हुक्म जारी करवाया दिया गया। सारा निजाम इंसाफ तो जकड़ा हुआ है। खबर यह भी है कि तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन और किक बैक्स का मामला। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 सितंबर तक तौसीह करने का हुक्म दे दिया।